देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से है, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ विधानसभा की बूथ विजय संकल्प बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत की अध्यक्षता एवं भाजपा प्रदेश मंत्री कृष्ण कटारा एवं विधानसभा प्रभारी ओम पालीवाल के मुख्य आतिथ्य में आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में बूथ मजबूत करने के संकल्प तथा बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र के साथ संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भारत माता के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम गीत के साथ हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने स्वागत उद्बोधन देते हुए बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम की रूपरेखा से कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को अवगत कराया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश मंत्री कृष्णा कटारा ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि गहलोत सरकार में पौने 5 साल में प्रदेश में विकास का एक भी कार्य नहीं किया है, केवल जनता से झूठे वादे किए हैं। उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से इस भ्रष्ट निकम्मी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने हेतु अभी से बूथ स्तर से मजबूत तैयारी में जुटने की अपील की। विधानसभा प्रभारी ओम पालीवाल ने बूथ संरचना के बारे में विधानसभा के मंडल अध्यक्षों से जानकारी ली और बूथ संरचना को मजबूत करने हेतु आह्वान किया। बूथ विजय संकल्प बैठक को संबोधित करते हुए जिला परिषद में नेता प्रतिपक्ष हेमंत मीणा ने विधानसभा में स्थानीय विधायक एवं उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे भ्रष्टाचार से क्षेत्र एवं क्षेत्र वासियों को मुक्त कराने हेतु आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में पार्टी को विजय बनाने हेतु कमर कसने का आह्वान किया। बैठक में जिला महामंत्री डॉक्टर नारायण लाल निनामा, विधानसभा संयोजक पूर्व उप जिला प्रमुख आशीष जैन ने भी संबोधित किया। बैठक में विधानसभा विस्तारक गौरी शंकर मईड़ा, विधानसभा के सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी, नगर परिषद पार्षद, सभापति, मोर्चों के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक एवं पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक का संचालन भाजपा जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया ने किया और आभार नगर अध्यक्ष रितेश सोमानी ने व्यक्त किया। प्रतापगढ़ से पवन धाकड़ की विशेष रिपोर्ट।